वहीं आजम खान के बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू नेता अजय आलोक ने दावा किया कि कुछ मदरसों से आतंकी पैदा होते हैं। किसी मदरसे से, किसी स्कूल से, किसी विद्यालय से आतंकवादी भी नहीं निकलते, ये सोच बनाती है। लेकिन मदरसे कुछ कुछ ऐसे हैं जो आतंकवादी पैदा करते रहे हैं। आजम खान को जरा कश्मीर भेज दीजिए, घूम के आए के देख लेंगे। और यूपी अध्यक्ष और सांसद सोनिया गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची। सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी रायबरेली पहुंची। रायबरेली के फुर्सतगंज एयरपोर्ट से दोनों सीधे गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं से सोनिया गांधी और प्रियंका मुलाकात करेंगी। रायबरेली अकेली ऐसी सीट है जिसे कांग्रेस ने 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीता। रायबरेली के लोगों का जीत के लिए आभार जताने के साथ साथ प्रियंका और सोनिया गांधी यूपी में लोकसभा चुनाव में करारी हार की कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा करेंगी। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए रणनीति बनाने पर भी मंथन होगा। बीजेपी में नए पार्टी अध्यक्ष के लिए कल दिल्ली में बीजेपी की बैठक होगी। अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक होगी। बीजेपी दफ्तर में यह बैठक कल सुबह 11 बजे शुरू होगी और करीब शाम 4 बजे तक चलेगी। पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के प्रभारी, सभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में संगठन चुनाव की रूपरेखा तय करने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए दो नामों की चर्चा है। जेपी नड्डा का नाम सबसे आगे चल रहा है, वहीं भूपेंद्र यादव का नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में है।